हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 to 9 हो चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हमारे पास स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर है, एक सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लंबी है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट लगाई गई है। आगे दे रखा है आपको ए द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। जो बॉटम है लैडर की वो इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/s। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, उसकी जो हाइट है वो किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है। वेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो हमारे पास लैडर और जो वॉल है उसकी जो फुट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है 4 मीटर अवे, 4 मीटर की दूरी पर होगी। तो हमें क्या निकालना है देखो, ये हमारे पास एक लैडर है ए बी, लेट ए बी बी द लैडर, ए बी हमारे पास एक लैडर है एंड सी हमारे पास क्या है, सी बी द जंक्शन ऑफ द वॉल एट द ग्राउंड। सी हमारे पास क्या है, एक जंक्शन है, जहाँ कहाँ पर है, जो ग्राउंड की जंक्शन है, जैसे जहाँ पर वो वॉल है वो उसका बिल्कुल बॉटम है। एंड ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए बी आपको 5 मीटर दे रखा है एंड सी ए, सी ए हमने मान लिया एक्स मीटर की, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है और इसकी जो लेंथ है वो वाई है हमारे पास। सी बी इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। गिवन दैट द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, अब आपको दिया गया है कि जो बॉटम ऑफ द लैडर, जो लैडर है उसकी बॉटम को पुल्ड खींच लिया गया अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड से अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल की तरफ एट द रेट ऑफ 2 cm/s, 2 cm/s की स्पीड से। सो एक्स इंक्रीज, तो जो हमारे पास एक्स है वो इंक्रीज, क्योंकि उसको अगर हमने दूर कर दिया, खींच लिया, तो एक्स इंक्रीज होता जाएगा और जो वाई है वो डिक्रीज होता जाएगा, वाई ऐसे नीचे की साइड आता जाएगा जब हम इसको डिक्रीज करें। एंड dx by dt आपको दे रखा है 2 cm/s, जो एक्स है जो इसको हम खींच रहे हैं तो वो किस स्पीड से हो रहा है डिक्रीज, dx by dt 2 cm/s। अब इंट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रेंगल में हमारे पास क्या, ए बी का स्केयर किसके इक्वल आएगा, ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ए बी का स्केयर कितना है 5, स्केयर कितना आएगा 25। बी सी हमारे पास क्या है वाई और ए सी हमारे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt प्लस 2y/dy/dt इज इक्वल टू 25 का क्या आएगा 0। 2x dx/dt हमें कितना दे रखा है 2 दे रखा है प्लस 2y/dy/dt क्या दे रखा है एज इट इज इक्वल टू 0, ये हमें निकालना है। 2 जा 4x हो जाएगा इज इक्वल टू में लेके गए -4x और डिवाइडेड बाई 2y/dy/dt, अगर 2 से कैंसिल कर देंगे 2 तो क्या आ जाएगा -2x/y। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब x की वैल्यू में क्या दे रखी है 4 दे रखी है तो वैल्यू पुट कर देंगे 16 प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25, वाई स्केयर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी 3। हम ओनली पॉजिटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव हमारे पास से नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाई बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे dy/dt इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 3, 4 2 जा 8 -8 बाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोल देंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज डिक्रीजिंग, तो हमारे पास क्या बोल देंगे, जो हमारे पास y है, y मीन्स हमारे पास क्या है, जो वॉल की हमारे पास ऐसे लेंथ देर की वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी किस स्पीड से, -8/3 cm/s की स्पीड से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2। एक पार्टिकल मूव हो रखा है, कर्व क्या दे रखी है 6y इज इक्वल टू x³ + 2 दे रखी है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के पॉइंट्स निकालने एट विच द y कोऑर्डिनेट इज, जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट से 8 times फास्टली चेंज हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है 6y इज इक्वल टू x³ + 2, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी 6, y का क्या आ जाएगा dy/dt इज इक्वल टू 3x² x³ का आ जाएगा 3x² dx/dt और 2 का हमारे पास कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे 3 2 जहाँ
सिक्स टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। इन्होंने दे रखा है कि वेन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंज एट टाइम्स एज फास्ट है, उसके एट टाइम्स जल्दी स्पीड से हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी है वो किससे है, डी एक्स बाई डी टी का एट टाइम्स है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एट डी एक्स बाई डी टी कर देंगे। तो टू और डी वाई बाई डी टी को हमने क्या रख दिया, एट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 टू जो 16 आ जाएगा, और दोनों को उधर लेके जाएंगे, दोनों में से डी एक्स बाई डी टी कॉमन ले लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास अपोजिट साइड जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से सॉल्व करेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 क्यूब प्लस 2 बाई 6, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, 64 प्लस 2 66 बाई 6, कैंसिल कर देंगे 11। जब x हमारे पास नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2 बाई 6, माइनस 4 का क्यूब माइनस 64 प्लस 2, माइनस कर देंगे माइनस 62 बाई 6, कैंसिल कर देंगे माइनस 31 बाई 3 आ जाएगा। तो पॉइंट्स क्या क्या आएंगे हमारे पास, जब x की वैल्यू 4 है तो y 11 आएगा, 4 11, दूसरा क्या आएगा, माइनस 4 माइनस 31 बाई 3, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बोल रखा है रेडियस ऑफ एयर बबल, एयर बबल है उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, किससे, रेट से 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। एट वट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, जो इन बबल है उसकी जो वॉल्यूम है वो किस स्पीड से इंक्रीजिंग होगी, वैन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, जब हमारे पास रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। द एयर बबल इज इन द शेप ऑफ ए स्पीयर, जो एयर बबल होता है वो स्पीयर की शेप में होता है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल वी विद रेडियस आर, वी को हमने वॉल्यूम से नोट कर लिया और आर हमने रेडियस, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वॉल्यूम है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 π, और आर क्यूब का क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 π, आर क्यूब का करेंगे 3r² और r का क्या आएगा, dr/dt। अब इसको 3 से 3 कैंसिल, 4πr² dr/dt गिवन है हमारे पास, dr/dt जो रेडियस है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, 1/2 cm/s, तो रख देंगे इसके अंदर, और r हमारे पास क्या है 1, dv/dt इज इक्वल टू 4πr की जगह 1² और dr/dt है 1/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 क्या आ जाएगा, 2π cm³/s। तो जो वॉल्यूम है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रही है, इज 2π cm³/s की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1। एक बैलून दे रखा है और स्पेरिकल शेप में है, जिसके हमारे पास क्या दे रखा है, डायमीटर 3/2 2x+1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसकी जो वॉल्यूम है वो हमें निकालने किस स्पीड से चेंज होगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर क्या है, वी, एंड रेडियस हमारे पास आर है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। अब हमें गिवन क्या है, डायमीटर कितना है 3/2 2x+1, और अगर हम इसे रेडियस निकालेंगे तो बाई 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा 2x+1। वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 πr³, वॉल्यूम पे हमने चेंज निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा 4/3 π, आर हमारे पास कितना है 3/4³ और 2x+1³। अब वी वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगी 9/16 π, इसका स्केयर कर देंगे 3 का स्केयर 27, उससे कैंसिल कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 π, 2x+1³। इन्होंने बोल रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 9/16 π, और इसका जब हम करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा 2x+1² मल्टीप्लाई 2x का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 8 जा 16, तो क्या आ जाएगा 9 3 जा 27 π/8 और 2x+1² इस स्पीड से वॉल्यूम चेंज हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s। वॉल्यूम दे रखी है हमें क्यूबिक में है, द फॉलिंग सैंड
forms a cone on the ground in such a way that the height of a cone is always 1/6 of the radius of the base. ये दे रखा है the falling end the from a cone, उसको एक cone के अंदर हमने set कर दिया गया on the ground, ground पर in such a way. किस वे से ए हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो हमेशा क्या है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, जो बेस रेडियस है उसका 1/6 है. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. ये बोल रखा है जो हाइट है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज होगी जब हमारे पास हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है. तो देखो द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने वी से नोट कर रखा है एंड रेडियस को हमने आर से और हाइट को एच से. वी का हमारे पास फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr² एच. एच हमारे पास क्या है 1/6, क्योंकि एच हमारे पास दे रखा है रेडियस का 6 टाइम, तो 1/6 आर. आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर लेके आए 6 एच आ जाएगा. अब वॉल्यूम पे हमें निकाल देंगे, देखो कैसे वी इज इक्वल टू 1/3 πr² आर की जगह हमने रख दिया 6h² एच. पूरा का पूरा एच में आ गया, हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा जब हम इसको कैंसिल करेंगे 3 2 जा, अब यहाँ पे 6 2 जा 12 π और एच का क्यूब आ जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा dy/dt 12 πh² एच क्यूब का हमने कर दिया तो 3 आ गया, आ जाएगा 3h² dh/dt dy/dt 12 3 36 πh² dh/dt. फिर इन्होंने देखा वॉल्यूम है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है 12 cm³/s, तो क्या आ जाएगा dv/dt 12 रख देंगे और h हमारे पास कितना है 4, 36 πh की जगह 4 का square dh/dt. अब इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी को इधर लेके आएंगे तो क्या है 12/36 π और 4 square 16, 12 3 36 3 16 के 48 1/48 π. तो व्हेन द हाइट ऑफ द सेंट कोन इज 4 सेंटीमीटर, जब हमारे पास जो कोन है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उसकी जो हाइट है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है 1/48 πcm/s की स्पीड से इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ए एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई सी एक्स, आपको दे रखा है ये. फाइंड द मार्जिन कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो हमें क्या निकालने, मार्जिन कॉस्ट निकालनी है जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं. प्रोड्यूस्ड हो रही हैं तो हमारे पास 17 यूनिट्स हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी. अब हम इसमें चेंज निकाल देंगे कैसे, देखो मार्जिन कॉस्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो मार्जिन कॉस्ट होती है जो हमने जिस कॉस्ट पे इसको चेंज किया है भी या बेचा है कुछ भी किया है वो किस पे होती है, टोटल कॉस्ट पर होती है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, उसकी आउटपुट पर. मार्जिन कॉस्ट क्या होती है, एम सी से नोट कर लिया तो dc/dx, सी हमें दे रखा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया dc/dx. जब हमने इसको चेंज किया तो 0.0732x दे रखा है प्लस 15, ये हमारे पास गिवन था. एक्स क्यूब का हमने कर दिया तो ये आया और एक्स स्क्वायर का ये आ जाएगा प्लस एक्स का एज इट इज़. और जी जो हमारे पास कॉन्स्टेंट था 4000 उसका हमारे पास क्या हो जाएगा 0. ये हमारे पास 3 का हमारे पास इससे मल्टीप्लाई कर दी 0.021x² माइनस इनके मल्टीप्लाई 0.006x प्लस 15. फिर दे रखा है एक्स हमारे पास कितना दे रखा है 17, तो एम सी हमारे पास कितना आ जाएगा 0.21x² 17² माइनस 0.006 17 प्लस 15. 17 का स्केयर 289 के और इसके मल्टीप्लाई 6.069 माइनस इनके मल्टीप्लाई 0.102 प्लस 15. जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 20.967. तो व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड तो मार्जिन कॉस्ट हमारी क्या होगी 20.967. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16. द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर एक्स इज इक्वल टू दिख रहा है 13x² + 26x + 15. मार्जिन रिवेन्यू एन एक्स इज इक्वल टू 7, मार्जिन रिवेन्यू निकालना है रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे हम. देखो मार्जिन रिवेन्यू इन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू, जो मार्जिन रिवेन्यू हो वो किस पर डिपेंड होता है, टोटल रिवेन्यू पर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स और जितने यूनिट उन्होंने बेची है उस पर. मार्जिन रिवेन्यू क्या आएगा MRDR/dx हो जाएगा. 13x² का क्या हो जाएगा 13 और x² का 2x + 26 और x का 1 हो गया तो क्या आ जाएगा 13 2 26x + 26. फिर x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो MR इज इक्वल टू
26x की जगह 7 प्लस 26, 26 7 जा 182 प्लस 26 208, तो हमारे पास मार्जिन रिवेन्यू कितना आ जाएगा 208 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है वो किस स्पीड से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट 6 सेंटीमीटर, आर हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया निकालना है तो एरिया का क्या है पाई आर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसके रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो डी ए आर बाई डी आर, अब आर पाई आर स्क्वायर है इसका करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर, आर हमारे पास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर की जगह 6 पुट कर देंगे, 6 टू जहाँ 12 वाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर लगाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एरिया है, तो हमारे पास इसमें से ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेंस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, द मार्जिन रिवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15, मार्जिन रिवेन्यू निकालना है हमें और क्या दे रखा है टोटल रिवेन्यू दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 15 है, तो सॉल्व कर देंगे, देखो मार्जिन रिवेन्यू इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व, तो मार्जिन रिवेन्यू क्या आ जाएगा एम आर एम, मार्जिन रिवेन्यू चेंज हो रहा है तो डी आर बाई डी एक्स, रेट हमारा चेंज हो रहा है, 3x हमारे पास क्या दे रखे था 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो रेट को हमने चेंज कर दिया क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव कर देंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 36 और x का 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 टू जा 6x प्लस 36, फिर हमें दे रखा है कि अगर x हमारे पास क्या है 15, तो वेन x इज इक्वल टू 15 रख देंगे, एम आर इज इक्वल टू 6x की जगह 15 प्लस 36, 15 6 जा 90 प्लस 36 126 आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड मार्जिन रिवेन्यू इज रुपीज़ 126, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 126, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे पास करेक्ट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई, ओके थैंक यू।